योगी सरकार द्वारा बनाए गए गौ सुरक्षा के लिए हॉटलाइन नंबर हुआ पे का। सूचना देने पर किया जा रहा है 1,000 रुपए की मांग। गाड़ी के जोरदार टक्कर से गाय की मौके पर हुई मौत। झूसी गारापुर संपर्क मार्ग की है घटना। नारायण ग्राम के बीच सड़क पर हुआ हादसा। जी हां, आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां एक तरफ गौ रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के तरह तरह की योजनाएं जमीन पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी बनाए सभी नियम कानून योजनाएं विफल दिखाई पड़ रही हैं। आपको बताते चले, थरवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत झूसी गारापुर मेन मार्ग पर नारायणपुर ग्राम के बीच सड़क पर प्रातः काल किसी गाड़ी ने गाय को जोरदार टक्कर मारी और गाड़ी निकल गई। सूचना मिलने पर गांव के लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं गाय मर चुकी है और कुत्ते उसे खा रहे हैं। इसकी सूचना जब गौ सुरक्षा हॉटलाइन नंबर पर फोन किया गया तो वहां पर रिस्पॉन्स नहीं आया। कुछ लोगों ने बताया कि हमने फोन किया तो 1,000 की मांग की जा रही है, 1,000 देंगे तब भी हम यह मृत गाय को ले जाएंगे। इससे कई सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या यही योगी सरकार की इच्छा है, गाय सड़कों पर मर जाए और कुत्ते उनको खाते रहें? यदि यही स्थिति रही, आने वाले दिनों में योगी सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा उठ जाएगा। अनिकट चुनाव में योगी सरकार को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से शिवम नंदन त्रिपाठी।